दोस्तों पार्टनर से पटना बात करें, यहाँ पर यूजी पीजी यहाँ पे स्पॉट नाम की बहुत बेटा गया। उसके साथ बात करेंगे एमबी में स्पॉट नाम शुरू हो गया, बीएलबी एलबी में एमएड में। तो हमें एमएड का दोस्तों वीडियो डाल ही दिया था, आई होप सो आपने यहाँ पर देख लिया होगा। ये बता रहे दोस्तों यहाँ पर एमबी में भी स्पॉट नामांकन यहाँ पर दोस्तों शुरू हो गया। 24, 26, 17 में एमबी में बचे हुए सीटों पर मेरिट कम स्पॉट राउंड में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों महाविद्यालयों की सूचना आई है मेरिट कम स्पॉट राउंड में 24, 26, 17 में। कि वैसे छात्र छात्राएं जिन्होंने नामांकन पूर्व के आवेदन में नहीं हो पाया, वह छात्र मेरिट कम स्पॉट राउंड के लिए ऑफरेटर डाउनलोड कर सकते हैं 28 से 30 तक करने, 1 अक्टूबर तक। और 1 अक्टूबर को ऑफरेटर कॉलेज में जाकर जमा करने का लास्ट डेट है। 1 अक्टूबर को ही महाविद्यालय यहाँ पर आरक्षण एवं पालन करके मेरिट निकालेंगे और नामांकन दोस्तों यहाँ पर होगा 4 अक्टूबर। तो एमबीए के साथ 24-26 में नामांकन के लिए 28 से 30 अक्टूबर, 28 सितंबर से 30 देख पा रहे उसके ऊपर 30 सितंबर, ऑप्शन गलत, 30 अक्टूबर, बाप रे इतना, ओहो हो क्या नोटिफिकेशन है, 30 सितंबर यहाँ पर होगा उसको गलत लिखा गया है। 30 सितंबर बात करें यहाँ पर सस्ता नशे मतलब अभी है। तथा विभिन्न बचे हुए सीटों पर मेरिट कम स्पॉट राउंड में नामांकन के लिए छात्र छात्राएं अपना यूजर आईडी पासवर्ड के प्रयोग करते हुए मेरिट कम स्पॉट राउंड हेतु ब्लैंक ऑफरेटर डाउनलोड कर सकेंगे। वर्णित कार्यक्रम के अनुसार अपने आवेदन नामांकन के लिए अपना इच्छित महाविद्यालय में जमा करेंगे जहाँ सीटें रिक्त हैं। ऑफरेटर डाउनलोड करके संबंधित कॉलेज में 1 अक्टूबर को संध्या 5 बजे तक जमा करेंगे। महाविद्यालय 1 अक्टूबर के संध्या 5 बजे तक आरक्षण नियमों का पालन करते हुए मेरिट लिस्ट यहाँ पर निकालेगा अपने बोर्ड पर और ऑनलाइन भी। फिर मेरिट लिस्ट पर 4 अक्टूबर तक नामांकन करोगे, शाम 5 बजे तक करके वैलिडेशन कराना है। और वही बात करें आपको यहाँ पर स्पॉट एडमिशन में नामांकन लेने के लिए जो इच्छुक छात्र हैं आपको लॉगिन आईडी यूजर पासवर्ड की मदद से ब्लैंक ऑफरेटर एप्लीकेशन फॉर्म ऑन करनी है। जो कि बात करें ब्लैंक ऑफरेटर 2 पार्ट में होगा, पहला पार्ट भाग छात्रों के लिए, दूसरा पार्ट जिस कॉलेज में नामांकन स्पॉट लेना चाहते हैं उसके लिए होगा। उसको भर करके जाना है, जमा करना है कॉलेज में, और दूसरा पार्ट आपको ले लेना है, रिसीविंग के तौर पर रख लेनी है। और साथ को खुद उपस्थित होकर के और जो डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरिफिकेशन करा के नामांकन लेना है, नहीं लीजिएगा तो आपका नामांकन वैलिडेशन नहीं होगा। दोस्तों उसी के साथ बात करें यहाँ पे एमबीए भी स्पॉट नामांकन प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है, जिसके लिए भी आप अप्लाई साथ साथ 27 से 30 सितंबर तक कर सकते हैं। ऑफर यहाँ पे लास्ट जमा करने की डेट है 30 सितंबर तक, और 1 तारीख को मेरिट लिस्ट कॉलेज निकालेगा, 9 अक्टूबर तक नामांकन लेने की लास्ट डेट एमबीए में। उसी के साथ पार्टनर्स पटना ने पीजी के वोकेशनल यानी सेल्फ फाइनेंस 24 से 26 सत्र में यहाँ पर एमबीए को छोड़कर के यहाँ पर 24-27 जो वोकेशनल में बचे हुए सीटों पर स्पॉट राउंड में नामांकन के लिए दोस्तों फिर से डेट निकाल दी, बिल्कुल सही सुनिए, आखिरी मौका सभी को स्पॉट नामांकन लेने का, क्योंकि 27 सितंबर से या बात करें 1 अक्टूबर तक आपको नामांकन पोर्टल यहाँ पे खोला जा रहा है फिर से। तो वैसे अब करना क्या है, क्या दोबारा अप्लाई करना होगा? देखो तो पूर्व में जो छात्र छात्राएं विगत स्पॉट राउंड में नामांकन लेने से वंचित रह गए, जिनका अभी स्टार्ट हुआ था कुछ दिन पहले स्पॉट राउंड, आपका नामांकन अगर नहीं हो सका है तो वे अपने पुराने स्पॉट राउंड के ऑफर लेटर के साथ क्या करोगे, सीटों का नामांकन हेतु यहाँ पर उस महाविद्यालय में आपको जाना है, जाके सीधे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर नामांकन ले सकते हैं। कि महाविद्यालय में उनके नामांकन का वैलिडेशन भी तत्काल यहाँ पर कर देंगे, करते चलेंगे तब तक कि जब तक की रिक्तियाँ उपलब्ध हो। देखो पहले और पहले पाओ के दर्ज पर करना है, पहले जाओगे कॉलेज आपका नामांकन पहले होगा। इसी क्रम में नए छात्र व छात्राएं भी यदि उपलब्ध सीटें पर नामांकन कराना चाहते हो तो भी विश्वविद्यालय के नामांकन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर आपको ऑफरेटर डाउनलोड करके उसके बाद सीधे रिक्त सीटों वाले कॉलेज में जाकर के आपको यहाँ पर नामांकन कराना है। ये व्यवस्था 1 अक्टूबर के संध्या 3 बजे तक सीटों की उपलब्धता रहने पर ही होगी, अगर सीट खाली बचा था। फिर महाविद्यालय छात्रों का जिस किसी भी विषय में नामांकन ले रहे हैं उस विषय के लिए निर्धारित योग्यता का होना अनिवार्य है, जैसे मान लो एमसीए के लिए तो बीसीए होना जरूरी है। ऐसे में इसकी जाँच परख करने के बाद ही नामांकन का वैलिडेशन करेंगे, उसके सारी जवाबदेही महाविद्यालय की होगी। तो आपने उसको देखा ही आखिरी मौका दोबारा उन सभी को जिनका स्पॉट पर नामांकन नहीं हो सका, अब फिर से स्पॉट के लिए यहाँ पे खुल गया है पोर्टल, 27 से 1 अक्टूबर तक आपको नामांकन यहाँ पे ले लेंगे। जिस कॉलेज में जाना है आपको बताते हैं कितने सीटें खाली हैं, किस किस कॉलेज में, चलिए वो देखते हैं। तो उसके लिए हम आगे एडमिशन पोर्टल पर इसी पोर्टल के थ्रू आपको दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो अप्लाई फीस शुरू हो गई, रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन कर लो, यहाँ पर पोर्टल खोल दिया गया है। यूजी के वोकेशन में देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ पर पीजी में और बीएलबी के एलबी के लिए एडमिट के लिए सभी का स्पॉट नामांकन दोस्तों स्टार्ट हो गया है। देख लो बस आपको क्लिक करनी है, यहाँ पर क्लिक करके आप अप्लाई करिए। अगर यूजी वोकेशन में करना है तो बस क्लिक करो, क्लिक करके यहाँ पर आपको बात करिए डिटेल्स डालना है, यहाँ पर अपनी इंटर का, इंटर किस बोर्ड से किए हो, इंटर किस ईयर पास किए हो, इंटर वाल नंबर एग्जामिनेशन का ये कैप्चर डालो, इस पर क्लिक करके पॉजिटिव फॉर्म, इसके छोटा सा रजिस्ट्रेशन रहता है वो करो, पर्सनल डिटेल्स डालो, एकेडमिक डिटेल्स डालो, तो अपना सपोर्ट करो, फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर एप्लीकेशन लॉग इन पर क्लिक करना है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा। उसी प्रकार पीजी वाले अगर आपको पीजी के लिए अप्लाई करो, अगर फिर से अप्लाई भी नहीं कर पाए थे तो यहाँ पर अपना स्टेट चूज करेगा, आपने किस यूनिवर्सिटी, आपका कौन सी यूनिवर्सिटी जो है मान लो किसी ग्रेजुएशन किया है वो कहाँ पर है, वो अगर किस स्टेट में वो पूछ रहा है ग्रेजुएशन का, आप नहीं पूछ रहा आप किस स्टेट में आपका ग्रेजुएशन, अब जैसे किया वो यूनिवर्सिटी के स्टेट वो चूज़ करिएगा, यूनिवर्सिटी किस डिग्री से लिए यूनिवर्सिटी से वो दोस्तों यहाँ पर चूज़ करेंगे।
ठीक है, उसने किसे पास की हुई रॉल नंबर दोबारा डिक्लेरेशन कैप्चर डाली, उसी डॉक्यूमेंट आपको क्लिक करिए। फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, सिंपल सा रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। जब दोस्तों रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगी, उसके बाद मेरे पास दोस्तों आपको फिर से इस एडमिशन पोर्टल पर आ जानी है, admission.ppp.online.in। मैं भी दोस्तों इस पोर्टल पर यहाँ पर आ गया हूँ। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो इस प्रकार पोर्टल ओपन यहाँ पर हो जाती है। अब दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेट लॉगिन पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको फिर यूजर नेम आएगा, आपको डालने का ऑप्शन, यूजर नेम डालेंगे आपको। उसके बाद बात करिए यहाँ पर पासवर्ड डालिएगा और कैप्चा लगा आपको लॉगिन करनी है। फिर लॉगिन जैसे हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर बात करें आपको लॉगिन पोर्टल के अंदर आपको एक स्पॉट ऑपरेटर दिखेगा, उसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा उससे पहले अगर आप फ्रेशर्स हो और रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किए हैं, आपको पेमेंट कर देनी है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद आपको ऑपरेटर दे देगा स्पॉट का, उसे दोस्तों यहाँ पर आपको निकल पाता है डेटा क्यों शुरू चल रहा है, आपका भी चल रहा हो बताना मुझे। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें आपको यहाँ पे इसी पोर्टल के थ्रू से लॉगिन करके आपको यहाँ पे स्पॉट ऑपरेटर डाउनलोड कर लेनी है और एप्लीकेशन फॉर्म। फिर डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आज मैं बताता हूँ वापस से पीछे यहाँ पर, तो वापस से बैक मुझे आना होगा। तो चलो इसके बाद यहाँ पर देखते हैं किस किस कॉलेज में कितने सीटें बची हैं। तो वापस ही एडमिशन पोर्टल दोस्तों ओपन होने देते हैं तब तक। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करें, नीचे आइए और नीचे दोस्तों आइए यहाँ पर आप अपना देखो चेक कर सकते हो कि आपका एडमिशन हुआ कि रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हो, आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है नहीं, उसके हिसाब से दोस्तों क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे यूजर नेम पूछा जाएगा, जो कि बात करें 23 पीस के छोड़ करके उसके बाद जो नंबर 4 लगे सर्च करोगे तो यहाँ से पता चलेगा आपका एडमिशन कन्फर्म हुआ है नहीं, वो चेक कर लेना जिनका एडमिशन हो गया है। और सही सेलिब्रिटी ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से दोस्तों आप सीटें देख चेक कर सकते हो कितनी सीटें बची हैं। पर यहाँ पर देखो मैं बताऊँगा आपको एग्जैक्टली तो पता डेटा नहीं चलता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी को डेटा मिला है तभी, बहुत से कॉलेज में भी स्पॉट सीट खाली है नहीं, वो आपको कॉलेज आकर के पता करना पड़ेगा। दोस्तों आप सीसी पर क्लिक करोगे उसको इस तरह का ऑप्शन खुल जाता है, फिर जो वोकेशनल की सीटें यहाँ पर ये देख लेते हैं सबसे पहले हम, फिर जाएंगे पीजी वोकेशनल पे। पीजी वोकेशन देख सबसे चर्चित विषय, मोस्ट फेमस विषय यहाँ पे कोर्स है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम बीसीए है, तो सभी लोग बीसीए करना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए, आपको वट एवर डिस्ट्रिक्ट यू हैव टू टेक दिन द एडमिशन, आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट में बीसीए लेनी है पटना नालंदा वो चूज कर लोगे। तो दोस्तों बात करें बीसीए में इस कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, एनएस कॉलेज बाढ़, बीएस कॉलेज दानापुर, जीजी कॉलेज रामगढ़, गंगा देवी कॉलेज महिला कॉलेज पटना, एडी वुमेन्स कॉलेज, एमएम कॉलेज, जगत नारायण लाल कॉलेज, माल्टीधरी कॉलेज नौबतपुर, आरपीएम कॉलेज, रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज, एसएमडी कॉलेज, सिद्ध मेला कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज। मैं भी बात बताऊंगा आप किसी कॉलेज में जाते हो, अगर पैसा एक्स्ट्रा लेते हैं पैसे बिल्कुल मत देना, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया। आपसे मांगेगा आप तो बोलिएगा यूनिवर्सिटी ने कोई ऐसा सर्कुलर जारी नहीं किया, उसकी सूचना आपको यूनिवर्सिटी जाकर के दोस्तों आप दीजिए। अगर कोई भी कॉलेज आपसे एक्स्ट्रा वसूली करता है, मान लो एडमिशन के नाम पर, स्पॉट एमएम के नाम पर, इसको धांधली कहते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इससे बचना है। कॉलेज आएगा तो मनमाना आपको पेमेंट नहीं कर देना है, 15-20 हज़ार मांगा जाएगा बस, आपसे आपको नहीं देना है, बोला जाएगा यूनिवर्सिटी फीस में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। और ऐसा कुछ हो तो कंप्लेन जाके तुरंत उस कॉलेज यूनिवर्सिटी करके यूनिवर्सिटी से करिए आप, ठीक है। चलो तो पीजी वोकेशनल का आपने देख लिया, अब मान लो हम पीजी वोकेशनल का एक कोर्स ले लेते हैं एमसीए, आपको जिसमें नाम लेना वो दोस्तों कोर्स यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे। मान लो मुझे एमसीए में लेना, मैं एमसीए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि बहुत से लोग एमसीए में लेना चाहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें सिर्फ दो कॉलेज दिखा रहा है, ये क्या हो गया सिर्फ दो कॉलेज, यानी जी डी वुमेन्स कॉलेज में 60 सीटें में 14 सीटें बची हैं और एबीसी कॉलेज एजुकेशन न्यूरा पटना में 101 सीटें यहाँ पर खाली बच गई है, मात्र 19 सीटें पर दोस्तों नामांकन यहाँ पर हुआ है। इस हिसाब पता चलेगा इंडेक्स कहीं सभी दो कॉलेज में कोई भी इंटरेस्टेड बहुत कमी कैंडिडेट्स हैं। तो बाकी सीटें कहाँ के, कोकास इन कॉलेज तो सीटें भर चुकी, इसका मतलब तो सीटें फुल हो गई बाकी सभी कॉलेज का, तो बात बस ये दो कॉलेज बचे हैं। फिर आपको अधिक जानकारी अगर चाहिए तो दूसरे कॉलेज आपको जाकर के फिजिकली पता करना होगा सीटें बची हैं या नहीं। कॉलेज में जाने के बाद दलालों से सावधान बिल्कुल रहें। अब ये कमेंट दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं, बात करें मिली कुमार जी कमेंट किया है कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस में अप्लाई नहीं किए पर एडमिशन हो सकता है कि, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, अभी यहाँ पे स्पॉट नामांकन स्टार्ट हो गया, आप फटाफट जाओ यहाँ पे स्पॉट नामांकन ले लो, ठीक है। सर स्पॉट नामांकन होगा भगवान, हम वेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल यस होगा, वेट करिए यहाँ पर, बिल्कुल होगा बीएड का भी। अरे किसका फोटो मांग रहे हो जी, बस मैंने टेलीग्राम से आपको सब कुछ दोस्तों मिल जाएगा, अभी बस चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैं वीडियोज़ में दिखाता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिले हुए टेलीग्राम चैनल पर, लिंक चाहे बस उसमें दिया गया है, वो चेकआउट आप जरूर कर लेना। अब यहाँ पे आओ दोस्तों, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना दोस्तों यहाँ पर पीजी वोकेशनल जितने सारे कमेंट्स आए मैं इनका जवाब देता हूँ। सर कॉलेज ऑफ कॉमर्स लीजा सिन्हा ने कमेंट किया है, कहा मेरी लिस्ट स्पॉट एडमिशन का अभी तक नहीं आया है ऑफलाइन भी, क्या करें सर। देखिए यहाँ पर कॉलेज ऑफ कॉमर्स का ऑफलाइन यहाँ पर नहीं आया है,
देखो तो हो सकता है यहाँ पर एक बार आपको ऑफलाइन नहीं आया तो ऑनलाइन भी तो अभी नहीं है, मैंने ऑनलाइन चेक ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या करिए, फिलहाल तो स्टार्ट हो गया है दोबारा से स्पॉट, अगर कॉलेज आके देख लो, अगर सीटें खाली तो नामांकन ले सकते हैं। एम कॉम में कहीं सीटें बचा है क्या, पटना में एडमिशन लेना था? अच्छा जरूर बताते हैं आपको यहाँ पर एम कॉम में सीटें बचा है या नहीं। और देखो बात करें कि एम कॉम को फिलहाल एडमिशन स्टार्ट यहाँ पर स्पॉट नहीं शुरू हुआ एम कॉम का, ये स्पॉट आपका पी जी वोकेशन यू जी वोकेशन का है, ठीक है ना। जैसे शुरू में वीडियो बना के डाल दूंगा, जी हाँ, मेरे लिए सैमसे का बी डी कॉलेज का, अब बी डी कॉलेज आपको जाना होगा ऑफलाइन वहाँ पर, अब वो भी वरीड गौतम कुमार, क्योंकि अब स्पॉट नामांकन स्टार्ट हो चुका है, अब डायरेक्ट एडमिशन आपको हो जाएगा। हाँ जी लीजिए, आप भी डायरेक्ट एडमिशन लीजिए, कॉलेज जाइए, कॉलेज से संपर्क करिए, ठीक है। मेरिट लिस्ट नहीं आया, हाँ कोई बात नहीं, एडमिशन यहाँ पर डायरेक्ट हो रही है, अब कॉलेज जाके यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए तो फिलहाल तो ये थी आपके पूछेगा, आई होप सो हमने सारे सवालों का जवाब दे दिया, मुझे तो कोई फिलहाल सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। फिर मेरिट लिस्ट यहाँ पर यूजी वोकेशनल की, ये भी दोस्तों ऑलरेडी आ ही गई है, ओके नहीं आया है कोई बात नहीं। यहाँ पर कोई है और भी जानकारी दे सकते हैं? हाँ बोलिए, बिल्कुल मैं जानकारी आपको देता हूँ, हमेशा देता रहूँगा, इसी तरीके जानकारी आपको मिलती जाएगी। यहाँ पे फोर्थ मिड लिस्ट में नहीं आया कोई बात नहीं, स्पॉट नामांकन स्टार्ट हो गया है। प्रिंस जी आप अभी स्पॉट के थ्रू नामांकन जाइए अपने कॉलेज में ले लीजिए, जल्दी जाएंगे जल्दी अप्लाई करेंगे। स्पॉट नामांकन मैंने बताया आपको क्या होता है, कॉलेज में जाना है बस आपको दो चीज़, स्पॉट ऑफर लेटर, और बात करें यहाँ पर आप उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म जाके जमा कर दीजिए, फिर कॉलेज में आपका डायरेक्ट एडमिशन आपका दोस्तों हो जाएगा। रिगार्डिंग पी पी वोकेशनल कोर्स रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग है, मैंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था 12 से 14 के लिए जो डेट आया था, मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, नहीं मेरा आधा फॉर्म फिलअप किया हूँ, फोटो सिग्नेचर का अपलोड किया हूँ, ब्लैक बैग मोबाइल में छोर में क्रोम, अच्छा क्रोम को मिनिमाइज़ करके आया था लेखें, और कॉलर में उसके बाद मेरा फॉर्म सबमिशन के लिए बोलने लगा, रिफ्रेश किया पेज तो वो सही है। देखो इससे कोई बड़ी बात नहीं, आप दोबारा यहाँ पे रिप्लाई, आप दोबारा एक बार लॉग इन करके वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, और फिर भी कुछ अगर करेक्शन हो तो आप उसके लिए कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में करेक्शन चल रही रजिस्ट्रेशन की। फिलहाल ये थी बहुत बड़ी बात करें यहाँ पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से, यहाँ पर यू जी पी जी वोकेशनल स्पॉट हम को लेकर के। वीडियो को लाइक करिए और हमारे कमेंट्स में बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा।